तो दोस्तों वीडियो बहुत लेट आ रही है इस चैनल पे। और दोस्तों ऐसा यूँ क्योंकि यहाँ पे 2-4 दिन से लाइट भी नहीं आ रही थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए वीडियो लेट आ रही थी। तो दोस्तों माफ़ करना, अब वीडियो आती रहेंगी, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना क्योंकि इस टाइम चैनल मेरा बहुत डाउन जा रहा है। तो बस इतना था, बाकी रिव्यू स्टार्ट करते हैं। दोस्तों दोस्तों मैंने मूवी देख ली आज जरा हटके जरा बच के। तो दोस्तों हाँ दोस्तों आज आ चुकी है थिएटर के अंदर। दोस्तों ये मूवी कैसी है, तो दोस्तों इस रिव्यू बने रहें और देखते रहें हमारे रिव्यू कुछ हटके। तो दोस्तों अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना तो इस चैनल को, क्योंकि दोस्तों अब देख रहा हूँ ग्रोथ नहीं हो पा रही इस चैनल की, क्योंकि जब से मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक आया ना इस मारे। तो दोस्तों सपोर्ट करो यार मेरे को। तो दोस्तों रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस मूवी देखने लायक है या नहीं, तो दोस्तों ये मूवी बनाई है अपने लुका छुपी जो बनाई थी इन्होंने दोस्तों, उसी डायरेक्टर ने ये मूवी बनाई है। तो आप समझ सकते हो मूवी कैसी है। तो दोस्तों ये एक कह सकते हो लुका छुपी 2 बोल सकते हो इस मूवी को। मतलब इसकी जो बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की दोस्तों, तो दोस्तों पॉजिटिव की बात करें जो इसकी स्टार कास्ट है, मतलब जो इसके हीरो और हीरोइन जो ना उनको छोड़ के जो बाकी की जो सपोर्ट कास्टिंग में जो उनके दोस्तों उनकी एक्टिंग, मतलब बोल सकते हो उनकी एक्टरों से बढ़िया उन लोगों की एक्टिंग लगी इसमें इस मूवी की। और दोस्तों पॉजिटिव नंबर 2 दोस्तों इसके अंदर जो मतलब घर के बारे में दिखाया ना, घर कैसे बनता है, मतलब घर कैसे बनाया जाता है, कितनी मेहनत लगती है दोस्तों, वो चीज़ दिखाई गई है। और पॉजिटिव इस मूवी के सॉन्ग, मतलब इस मूवी के सॉन्ग दोस्तों ज़्यादा नहीं 3 सॉन्ग है और तीनों सॉन्ग एकदम गुड बोल सकते हो उसको आप। और एक सॉन्ग दोस्तों अरिजीत सिंह का फिर मुझे क्या चाहिए दोस्तों, सॉन्ग इतना पावरफुल सॉन्ग, मतलब वो सॉन्ग एक तरफ और ये मूवी एक तरफ, इतनी बेहतरीन सॉन्ग है वो। और दोस्तों बात करें इसकी नेगेटिव की, तो दोस्तों नेगेटिव तो आपको पता ही है इसमें क्या, मैंने ट्रेलर में भी बोल दिया था आपको जब रिएक्शन करा था और रिव्यू करा था। दोस्तों इसके अंदर स्टार कास्ट ने जो एक्टिंग करी ना, मतलब स्टार कास्ट नहीं उनकी एक्टिंग तो एकदम लाजवाब है। जो इसके हीरो हीरोइन है उनकी जो एक्टिंग है इतनी बकवास एक्टिंग, मतलब यार विक्की को देखो यूरी में क्या की एक्टिंग करी उन्होंने और इस मूवी के अंदर क्या एक्टिंग करी उन्होंने। और सारा अली खान यार इतनी ओवर एक्टिंग, मतलब इतनी ओवर एक्टिंग, वो देखिए उनकी अतरंगी, ये समझ लो वही कैरेक्टर उठा के इस मूवी के अंदर ये बकड़ बकड़, मतलब यार सीन देखो, मतलब ऐसा लग रहा है दोस्तों आपने अतरंगी देखी होगी, अतरंगी अक्षय कुमार की और धनुष की, तो उस मूवी के अंदर जो उसकी एक्टिंग है ना, तो वही इस मूवी के अंदर एक्टिंग, मतलब यार कितना बकर बकर यार इतनी बुरी एक्टिंग, मतलब टपोरी वाली एक्टिंग लगी पूरी इनकी यार, कुछ पसंद नहीं आया। और विक्की कौशल थोड़ी थोड़ी लगी, वो भी जब इमोशनल सीन आता जब। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ यानी कि इसका फर्स्ट हाफ जो दिखाया दोस्तों वो फुल कॉमेडी से भरा हुआ, और सेकेंड हाफ आपको बोर भी लगने लगे हो सकता है क्योंकि वो इमोशनल और ड्रामा आ जाएगा उसके अंदर। तो मूवी बहरहाल अगर देखी जाए तो दोस्तों ठीक ठाक है, और ना कि इसमें एक भी चुम्मच चाटी है दोस्तों, कुछ घपाघप के मतलब लगे तो होते हैं कुछ, मतलब कर लेंगे दोस्तों, उनकी फैमिली अड़ी होती है उनको नहीं करने देती, तो मतलब फुल फैमिली तक देख सकते हो, मतलब इसमें कुछ है नहीं, एक किस सीन भी नहीं है दोस्तों इसके अंदर। तो ये मूवी देख सकते हो और इस मूवी को देखता हूँ मैं 3 स्टार दोस्तों, 3 स्टार क्यों दोस्तों, 1 स्टार कटेगा इसकी जो इसमें जो ओवर एक्टिंग करी हीरो और हीरोइन ने, मतलब कुछ जगह विक्की कौशल की एक्टिंग मतलब बोल सकते हो लाजवाब। और 1 स्टार कटेगा इसकी जो दोस्तों कहानी है ना प्रैक्टिकल है, यानी कि आप समझ जाओगे कहानी क्या होने वाला है इसका क्या नहीं। तो बाहर फिलहाल फिल्म देख सकते हो, वो भी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो दोस्तों बस इस रूम में इतनी।